पढ़ते हैं आगे खबर हरियाणा से। हरियाणा के जींद में बीजेपी की हरियाणा गौरव रैली हो रही है। जींद में होने वाली इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, नितिन गडकरी भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस गौरव रैली में करीब 8 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जिनमें सफीदों में इंटर कॉलेज स्टेडियम, जींद में वेटनरी पॉलिटेक्निक, 33 के वी क्षमता का बिजली घर, बडौदी में जलघर समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर करीब 80 करोड़ की लागत आई है। माना जा रहा है कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज, पानीपत रेलवे लाइन, ओवरब्रिज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। और मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जायजा लिया उन्होंने। जींद में भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। गौरव रैली के नाम से होने जा रही इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की रैली में शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं कि रैली के लिए जो स्टेज बनाया गया है, जो मंच बनाया गया है, वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहीं से लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस रैली में लाखों लोग जो हैं वो पहुंच सकते हैं, और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो करीब 5,000 पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो बैठने के लिए इंतजाम किए गए हैं लोगों के, बाकायदा कुर्सियाँ रखी गई हैं ताकि लोगों को इस रैली में पहुँच कर नेताओं की बात सुनने में कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों की उपलब्धियां जो हैं वो जनता के सामने रखी जाएंगी, और जनता को यहां से कई बड़े तोहफे भी मिलने की उम्मीद है। यानी कई परियोजनाओं की शुरुआत इस रैली के माध्यम से होने की पूरी पूरी संभावना है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, जींद। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान। कुलबीर, आप मौके पर मौजूद हैं। रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरीके से तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हलचल, और साथ ही आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए रीना, 11 बजे का रैली का टाइम रखा गया था, हालांकि जो 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी जो मंच पर आप इक्का दुक्का नेता ही देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जो इस रैली के आयोजक हैं, कहीं ना कहीं पूरी जान उन्होंने रैली के लिए झोंक रखी है, वो अभी फिलहाल स्टेज पे देख सकते हैं। उनको तैयारियों का जायजा जो है वो ले रहे हैं। उनकी जो विधायक पत्नी प्रेमलता वो उनके साथ है, क्योंकि वो भी इस रैली में इस रैली की तैयारियों के लिए वो भी उनके साथ जुटी हुई है। और यदि यहाँ पर लोगों की बात करें तो फिलहाल यहाँ कुछ लोग जो हैं पहुँचना शुरू हुए हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम था रैली का, लिहाजा कुछ लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं अरेना। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उनका ये दावा है कि लाखों लोग इस रैली में पहुँचेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक व्यवस्था की गई है, उससे एक अच्छी भीड़ जो है उसकी उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन खास बात ये होगी रीना कि यहाँ आज इस रैली के माध्यम से ना केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, उसकी 2 साल की उपलब्धियां जो हैं वो गिनवाई जाएंगी, बल्कि कई सारी परियोजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। खास तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की शिकायत जो अभी तक रही है कि उनके हलके को अभी तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है, हालांकि वो उस वक्त कांग्रेस में थे, उसके बावजूद भी उनकी शिकायत जो है अपनी सरकार से रहती थी। लेकिन क्या इस रैली के माध्यम से इस शिकवे को कुछ दूर किया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी उत्साहित हैं, काफी उम्मीद के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है इस रैली की तैयारी में जुटे हैं रेना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अब पूरे उसके साथ जुटे हुए हैं, मंच पर नजर आ रहे थे, पूरी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, और लोगों की भीड़ भी अब जुटनी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे।